स्वच्छता की ओर, इस नारे के साथ पूरे देश में स्वच्छता की बयार बह रही है। हम इस समय अपने गृह जनपद में हैं, नियमों का कोई इन्हें डर नहीं है। यह किस तरह से आम लोगों को बीमार कर रहे हैं, यह है गाजीपुर का नगर पालिका परिषद। यहाँ कोई नियम नहीं देखे जाते। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। एक तो इन्हें देखिए, पहले एक ने मास्क लगाया है, एक ने नहीं लगाया है। यह ड्राइवर साहब, इन्हें भी मास्क नहीं दिया गया है, क्योंकि इनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। मर जाए इनसे मतलब क्या। और फिर कोई दूसरा आएगा, 8,000 देंगे। लोग लाइन पर लगे हुए हैं। हम इस समय हैं गाजीपुर जनपद अंतर्गत, यह एक विधायक का गांव है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। इस तरफ उनका गांव है, इस तरफ उनका शिक्षण संस्थान है, आप देख रहे हैं। और यहाँ कूड़ा डाला भी गया है, कूड़ा जलाया भी गया है। नियमों की कोई परवाह नहीं है इन्हें। कूड़ा जलेगा, भयंकर गैसें निकलेंगी, इस कूड़े में मेडिकल वेस्ट भी है और ठोस अपशिष्ट पदार्थ भी हैं, जिसे आप देख रहे हैं। इधर भी आग लगाई गई है कि कूड़े का पैमाना कम हो जाए। इस तरफ भी आग लगाई गई है। जहां आप देखेंगे पूरे प्रदेश में ऐसे ही कूड़ा फेंका जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। आइए हम दिखाते हैं। नगर पालिका परिषद की गाड़ी है, अभी आई है, चक्का इसका फंस गया है। नगर पालिका परिषद गाजीपुर, एक नंबर की यह गाड़ी है। एक नंबर क्या होता है, कहीं गाड़ी का नंबर उम्बर नहीं लिखा गया है। अब एक नंबर क्या होता है मैं पूछूंगा इनसे। इधर देखिए, ये अभी नगर पालिका परिषद की गाड़ी है और इसका अभी कहीं कोई नंबर उम्बर नहीं है। क्यों ड्राइवर साहब, कोई नंबर है? ट्रैक्टर नंबर तीन ही क्या होता है, बस नंबर डाला जाता है। अच्छा, नंबर डाला जाता है ट्रैक्टर नंबर तीन। ट्रैक्टर नंबर कोई नंबर नहीं है। अच्छा, ट्रैक्टर नंबर तीन है। हाँ, बस एक। आपका कोई नंबर है? नंबर का मतलब कोई डीएल वल तो होगा नहीं आपके पास? नहीं, डीएल है। अच्छा, यहाँ नहीं होगा? नहीं, घर पर है। डीएल है लेकिन घर पर है। फोटो कापी लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ भी फोटो कापी होगा भी नहीं? यहाँ नहीं है। कहाँ है फोटो कापी? अच्छा, चलिए, फोटो कापी संभवतः ड्राइवर साहब के पास होगा। डीएल का, डीएल पहले का बना होगा आपका? हाँ। कि नया वाला बना है? नहीं, एटीएम वाला है। अच्छा, एटीएम वाला है। ड्राइवर साहब के पास, क्या नाम है आपका ड्राइवर साहब? अनिल कुमार। अनिल कुमार के पास है डीएल, फोटोकॉपी लेकर के चल रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, आपको पता है कि नगर पालिका मास्क नहीं मिल रहा है, अधिकारी मास्क नहीं दे रहे। नगर पालिका परिषद में मास्क नहीं मिलता है, इसलिए नहीं लगाए हैं। इनको बेचारे को मिल गया है कहीं से, खरीदे हैं, पैसा अपना लेकर खरीदे हैं। अच्छा, पैसा ले लेकर हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, पैसा लेकर के खरीदते हैं। तो यह है साहब नंबर तीन, और वह है नंबर एक। नंबर तीन और नंबर एक क्या है, किसी ट्रैक्टर पर नंबर नहीं है? कितने ट्रैक्टर हैं? जितने ट्रैक्टर है, 6-7 ट्रैक्टर है, 12 ट्रैक्टर हैं संभवतः, 12 ऑटो गाड़ियां हैं, 12 ट्रैक्टर हैं, ऐसी भी गाड़ियां हैं, और किसी पर नंबर नहीं है। ये कूड़ा ले आएंगे, गांव पर फैलाएंगे। इधर कुछ लोगों ने रोका भी था कूड़ा? रोका था, तो उसके बाद भी नहीं माने लोग? अधिकारी जब कहते हैं तब हम लोग गिराते हैं, अधिकारी नहीं कहते हैं तो नहीं गिराते हैं। अच्छा, अधिकारी कहते हैं कि बेटा ले जाओ। और सड़क के किनारे देखिए, इधर सड़क है, और यह सड़क विकास खंड करंडा को जोड़ता है। यह कूड़ा और कचरा जहाँ सड़क के किनारे, इधर एक नाला है, नाले के किनारे गिराया जा रहा है। वो नाला सीधे कनेक्ट है गंगा से। क्यों ड्राइवर साहब, देखिए अब फंस गए बेचारे की गाड़ी, कैसे निकालेंगे अब? जेसीबी आएगा अब तो फंस गई, निकलेगा नहीं। आपके पास डीएल वाल है इसका? जी। अच्छा, डीएल है। गाड़ी का नंबर कुछ नहीं पता नहीं है? डंपर नंबर एक यह है गाड़ी का, डंपर नंबर एक। यह है मोटर वेकी इलेक्ट कहता है कि चाहे सरकारी गाड़ियां हो चाहे प्राइवेट गाड़ियां हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार होगा। अब मैं एसपी गाजीपुर को मिला रहा हूँ, 94-54-40-0275। हाँ, कप्तान साहब बोल रहे हैं गाजीपुर से? हाँ भाई साहब, जय हिंद। ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है। भाई साहब, कहना यह था कि भाई साहब गाजीपुर में जितनी नगर पालिका परिषद की गाड़ियाँ हैं,
छोटी से बड़ी किसी पर नंबर नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट सभी को समान अधिकार देता है, सभी को नंबर सभी पर होना चाहिए, और इसका नंबर है ही नहीं है। जैसे नगर पालिका परिषद गाजीपुर, जैसे किसी का ना किसी ट्रैक्टर का नंबर है, ना किसी ऑटो का नंबर है, और गाड़ी नंबर एक, गाड़ी नंबर दो, गाड़ी नंबर तीन, ऐसे करके। तो विनम्र भाव से आपसे आग्रह है कि इसकी जांच कराएं और इनके इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो। हाँ जी, जो नगर पालिका परिषद की गाड़ियाँ कूड़ा ढुलती हैं, कई दर्जन की संख्या में वह गाड़ियाँ हैं, ऑटो से लेकर बड़ी गाड़ियों तक। भाई साहब कह दिया गया है, सबसे कह दिया गया है, कोई असर इनके ऊपर नहीं है। हाँ देखवाएं भाई साहब, धन्यवाद। यह थे गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह। पहले तो इन्होंने पल्ला झाड़ा की नगर पालिका परिषद के ही, और इनसे कहिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सैया भय को तवाल, अब डर काहे का, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है, और वह नियमों को ताक पर रख करके, कोई असर नहीं है कहने का। आप फिर से एक बार देख लीजिए, और यह मामला मैं संदर्भित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कर रहा हूं। यह है एक तो सड़क के किनारे कूड़ा कचरा फेंकना, आप इस तरह से पूरे देश और विश्व में कोरोना व्याप्त हो गया है, भय के मारे लोग घरों में दुबके हुए हैं, लोग मास्क लगा करके चल रहे हैं, कब किसकी जान चली जाए, महामारी में कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर लोग बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी दवा क्या है, इसका इलाज क्या है, जांच कैसे करेंगे, मैंने वीडियो किया है उसको दिखाऊंगा भी। और दूसरी तरफ इस तरह से, भैया आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ, हम लोग हैं। अच्छा, यहीं के निवासी हैं, तो यह कितने दिन से फेंक रहे हैं लोग? ये लमसम यहाँ सब लोग 5 महीना से हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, कभी आप लोग टोका टाकी किए हैं, कभी मना किए हैं? नहीं, हम लोग तो नगर पालिका के कर्मचारी हैं। अच्छा, नगर पालिका कर्मचारी हैं। जय हो। मास्क क्यों नहीं लगाए हो आप? हम लोग को मिलता नहीं है नगर पालिका से। क्या नाम है आपका? चंदन रावत। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। मास्क नहीं लगाते हो आप लोग? नहीं, हम लोग को मिला नहीं सर। मास्क नहीं लगाते हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भैया 22 को घर से मत निकलो, सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक। प्रधानमंत्री जी कभी चिंता की गई कि आपके जो कर्मचारी हैं स्वच्छता के, आप तो चरण धुलते हैं, कुंभ मेला में आपने चरण धुल करके पांव पखारा था, लेकिन गाजीपुर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को मास्क नहीं मिला है और कोई इन्हें बचाव के उपाय नहीं बताए गए हैं। देखिए अभी एक ऑटो भी आ गया उधर से, आप देखिए, चलिए आटो अभी डीएल है आपके पास? लिए हैं जी, इस समय नहीं है, जमा इस समय किसी के पास जमा है? क्यों जमा किया है? वहां हम लोग को सर फोटोस्टेट जमा हो जाता है। ये कूड़ा कलेक्शन गाड़ी नंबर A5। जियो शेर, उड़ाते रहो नियमों की धज्जी, कौन है जो बोलेगा? अगर कोई बोलेगा तो मुंह नोचने वालों का जत्था तैयार किया गया है, मुंह नोच लेंगे, कहेंगे 70 साल पहले कहां थे, अब आ गए हो, 70 साल पहले तुम कहां थे? चलो, जब से होश संभाला है तब से कह रहा हूं, देख लो ये नगर पालिका परिषद के कर्मचारी है और इन नियमों की धज्जी उड़ाते हुए इनकी गाड़ियां हैं और सड़क पर किनारे यह कूड़ा कचरा। भैया हॉस्पिटल का भी कूड़ा आप लोग उठाते हैं? जी नहीं, नहीं। हॉस्पिटल का कहाँ जाता है? यहीं पर आता है, बड़ी गाड़ियां उठाती हैं हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय का। यहाँ का बुद्धिहीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुद्धिहीन जो यहाँ से पैदल होगा, जो यहाँ का अधीक्षक होगा, जो यहाँ का एनजीटी के नियमों को तार तार करते हुए इस तरह से मेडिकल वेस्ट भी उठाया जाता है, इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे बचाव करें, इसमें मेडिकल कचरा भी है, रुई है, सिरिंज है, और तमाम इस तरह के, देखिए आप देख भी रहे हैं मेडिकल कचरे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ मेडिकल कचरे, वो दवाइयाँ हैं, सुई सिरिंज सब कुछ है, मेडिकल कचरा भी इसमें फेंक दिया जाता है और कूड़ा जलाया जाएगा। जल करके आप महसूस करिए, अगर इसमें एड्स जैसी भयंकर घातक बीमारियों का सिरिंज होगा, दवाएं होंगी, तो किस प्रकार उसका दुष्प्रभाव होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। कप्तान साहब, अब देखता हूं पुलिस कप्तान साहब क्या करते हैं, समय काटना है कप्तान साहब को, समय काटेंगे?
और सत्ता से पंगा लेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि नौकरी करनी है, सत्ता से पंगा ले नहीं सकते। कप्तान साहब यह चुनौती है, यह वीडियो आपको चुनौती देती है कि आप नियमों का पालन करिए और इनके ऊपर कार्रवाई कराइए। देखिए इधर भी आप सड़क के किनारे आते जाते हुए लोगों को देख रहे हैं, लोग फेफड़े में कचरा भरेंगे, उनकी श्वसन नलिकाएं जाम होंगी और सीधे सीधे कोरोना, कोरोना तो ऐसे ही ना आएगा, और भी जिसके पास क्षमता कम होगी वो इस तरह से। चलिए एक बार ये अभी कूड़ा कचरा आप देख लीजिए यहाँ, और खुले में आता है, बताते चले, कूड़ा कचरा ढक करके आएगा, ढक करके, और सुबह 8 बजे से पहले सब पहुँचा दिया जाएगा जगह पर। कूड़ा कलेक्शन करेंगे जगह जगह, गाड़ियाँ चिल्लाएंगी बताएंगी कि कूड़ा वाला आया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। क्यों भैया, बजता है ना? जी सर, बजता है, डोर टू डोर बजता है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान कितना मिलता है आप लोगों को? 6000 रुपया मिलता है। हम लोग आउटसोर्सिंग है सर, आउटसोर्सिंग वाले हैं, जब चाह कान पकड़े के निकाल दिया, जब चाह। सीएम साहब, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग ब्रजभूषण दुबे का ठेका दे दिया गया, कितने हम कर्मचारी चाहिए? ब्रजभूषण दुबे क्या करेंगे, कहेंगे हम 18000 में देंगे, 18000 ले लिया गवर्नमेंट से और उनको दिया हमने 12000। यह है आउटसोर्सिंग, कोई नियम नहीं, कोई आप कहीं कुछ कहने जाएंगे कोई सुनेगा नहीं, यह साहब चल रहा है। 3 साल की के उल्लेखनीय योगदान को हुजूर बता रहे हैं, यह कूड़ा कचरा, यह मेडिकल कचरा, और लोगों को, लोगों के बहुमूल्य जीवन को संकट में डालने वाला। यह देख लीजिए साहब, अब पता नहीं पुलिस कप्तान साहब क्या करते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। अवकात हो तो गाड़ी पर नंबर लगवाओ, अवकात हो तो गाड़ियों की चालान करवाओ, और अगर सही में कुछ चाहते हो तो इन कर्मचारियों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करो। 6000 रुपया कूड़ा उठाता है, यहाँ तक पहुँचाता है, एक मास्क नहीं दिए हो, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई दस्ताना वस्ताना नहीं है, नहीं है ना, कुछ नहीं है। और राम राज्य स्वच्छता का बयार की बयार बह रही थी, तो यहाँ के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री निकाले थे, जुलूस निकाले थे, और यहाँ के अधिकांश विधायक इन्हीं के हैं, और सत्तासीन दल को भी सद्बुद्धि देता हूँ, कुछ नहीं करना है, यहीं का विधायक, विधायक जी अवकात हो तो एक दिन यहाँ बैठ जाओ, कुछ तो करो, लेकिन समय काटना है भैया, जातिगत आधार पर वोट मिलना है, दल से वोट मिलना है, साइकिल चलाऊंगा तो वोट मिलेगा, हाथी पर चढ़ूंगा तो वोट मिलेगा, कमल का फूल लेकर के त्राहिमाम करूंगा, जय जय मोदी, हर हर मोदी करूंगा तो वोट मिलेगा, यही तरीका, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए भैया, इनके गुड सेंस की कामना करता हूँ। इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा है, और यह देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए खुले में कोई तिरपाल वगैरह नहीं है ना, कुछ नहीं है, देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई कपड़ा नहीं है, बताया भी नहीं गया है, और यह गंगा के किनारे कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, पवित्र प्राणदायिनी गंगा, जिसके लिए अभी गंगा यात्रा निकली थी, महामहिम आनंदी बेन जी पटेल, एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, एक तरफ कानपुर की लहरों पर स्टीमर में बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गंगा स्वच्छ हो गई, और यही जो हो रहा है उसे मैंने दिखाया। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, आज 20 तारीख को, 20 मार्च 2020 को एक ऐतिहासिक दिन है, 5:30 बजे भोर में ही निर्भया के आरोपियों को चढ़ा दिया गया, चढ़ नहीं रहे थे, चढ़ा दिया गया, और चढ़ना ही था, न चढ़े इसके लिए तमाम यत्न किया अधिवक्ताओं ने, लेकिन चढ़ गए। भैया विनम्र भाव से, वैश्विक रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।